वेलकम टू अभी का किचन। और आज हम देखने वाले हैं गरबा डेकोरेशन। तो ये गरबा मैंने करीब एक साल पहले नवरात्रि के कंपटीशन में बनाया था। गरबा डेकोरेशन कंपटीशन था और उसमें ही मेरा फर्स्ट रैंक आया था। वो मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाला था और आप लोगों के काफी कमेंट्स आए थे कि हमें भी ये गरबा डेकोरेशन बनाना सीखना है। समय कम होने के कारण मैं उसे दोबारा बना के तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन मैं उसे आपको इस तरह से दिखाऊंगी कि आपको पूरा अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि आपको उसे किस तरह से बनाना है और आप भी उसे अपने कॉम्पिटिशन में या कहीं पे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसे कैसे डेकोरेट करना है। होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये रहा वो गरबा जिसे फर्स्ट रैंक मिला था। तो इस तरह से हमने डेकोरेट किया था। यहाँ पे हमने आशापुरा माता का चित्र किया है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो मटके का शेप होता है, गरबे का शेप, वो थोड़ा अलग लिया है। देखिए इस तरह से हमारा गरबे का शेप है और नवरात्रि का गरबा जिसमें होल्स होते हैं वही होल्स वाला है। सबसे पहले हमने इसे एक दिन भिगो के रखा था पानी में और फिर दूसरे दिन हमने इसे पूरा रेड कलर से पेंट कर दिया था। अंदर हमने दिया भी रखा था और जब कंपटीशन का जजमेंट होने वाला था तब हमने इस दिए को जगाया था। अब यहाँ पे मैंने लेस वर्क, मोती का वर्क, मिरर वर्क, स्टोन वर्क और लिपन आर्ट भी की है और साथ में हमने इसे हैंड पेंट भी किया है। एक एक करके मैं आपको सब चीज़ें बताऊँगी कि हमने इसमें कौन सी चीज़ पहले की है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल्स बना दिए थे। फिर उन ट्रायंगल्स के ऊपर हमने फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले आता है उससे ये डिज़ाइंस बनाए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ट्रायंगल्स बनाए। बीच में हमने माता जी का चित्र बनाने के लिए थोड़ी जगह छोड़ी है और बाकी पूरे में हमने ट्रायंगल, एक सीधा ट्रायंगल, एक अपसाइड डाउन, ऐसे करते हुए हमने डिज़ाइन बना दिया है। मैं इस वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे लेके चलूँगी ताकि आप अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें और आप ही आसानी से इन चीज़ों को बना सकें। फिर उसके बाद हमने मिरर वर्क किया है और उसके बाहर की तरफ हमने मोती का वर्क किया है। बीच में हमने यहाँ पे रेड, ऑरेंज और येलो कलर से पेंट भी किया हुआ है और उसके सेंटर में हमने एक मोती लगा दिया है। और फिर आती है लेस वर्क की बारी। तो यहाँ पे हमने ऊपर के साइड एक लेस लगाई है और सेम लेस हमने बीच में लगाई है। ये लेस जो हमने नीचे लगाई है उसके बाद हमने कोई वर्क नहीं किया है, उसे प्लेन रेड ही छोड़ा है। फिर हमने यहाँ पे मिरर वर्क किया है और स्क्वायर वाले स्टोन्स, गोल्डन, यहाँ पे उनकी भी लेस आती है, वो लगा दी है। ऊपर की तरफ भी हमने मिरर वर्क किया है और मोती वर्क किया है। फिर हमने यहाँ पे माताजी का तिलक, ऑर्नामेंट्स, उसमें एक बड़ा सा गोल्डन कलर का हार, फिर माताजी की 7 आइस होती है तो यहाँ पे हम 7 पेयर ऑफ आइस लेके आए हैं। ये आपको उस दुकान पे मिल जाएगी जहाँ पे कान्हा जी के कपड़े, कान्हा जी की आइस और वगैरह सामान मिलता है, वहाँ पे आपको माता जी की आइस भी मिल जाएंगी। बीच में हमने तिलक के उसमें स्टोन लगाया है इस तरह से। फिर हमने मटकी के नीचे ये मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, पर ये लगाया जो मटके के नीचे रखते हैं उसे हमने स्टिकी कर दिया और नीचे एक लटकन भी लगा दिया है इस तरह से, अच्छे से स्टिक कर दिया ताकि वो हिले डुले नहीं। फिर हमने इसका ढक्कन भी डेकोरेट किया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें मैंने ट्रायंगल्स बनाया, स्वास्तिक बनाया और मिरर वर्क और बॉल चेन लगाई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।